I am Puneet. अभी हम करेंगे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर. ठीक है. आंसर, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. There are various sources of irrigation such as wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canal. Two methods of irrigation which conserve water are as under. First is the sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. In this method of irrigation, the water under pressure flows through a network of pipes and escapes through small nozzles. Water gets sprinkled on the crop as if it is rain. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फसल को different intervals पर पानी देने को हम irrigation कहते हैं. हमें खेत में किस समय और कितने समय बाद फिर से पानी देना है, ये इस बात पर depend करता है कि फसल कौन सी है, मिट्टी किस प्रकार की है और मौसम कौन सा है. गर्मी के मौसम में फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है, ठीक है ना. खेतों को पानी कुएं से, नदियों से, ट्यूबवेल्स के द्वारा दिया जाता है. अब हमारा फर्स्ट मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम. ये है जहाँ पानी कम मात्रा में हो उन जगहों पर ये मेथड बहुत फायदेमंद साबित होता है. इस मेथड में फसल पर पानी ऐसे पड़ता है जैसे बारिश होती है. यहाँ तक अपना आप नोट कर लीजिए. If you like our video, please like and subscribe our channel.